राम राम सा, स्वागत है आप सब लोग हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं राजस्थान से हूं, तो आज मैं मेरे किचन में बनाने जा रही हूं राजस्थान की सबसे फेमस सांगरी की सब्जी। सांगरी की सब्जी तो हर कोई बनाता है, लेकिन सांगरी की सब्जी आज मैं बनाने जा रही हूं एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। यानी हमारे यहाँ जो सांगरी की सब्जी बनती है और उसमें जो चीजें डाली जाती है, यानी हमारे यहाँ सांगरी में डाले जाते हैं केर, कुमठिया, कमलगट्टा, जो भी चीजें डाली जाती है, आज मैं उसी स्टाइल में, ट्रेडिशनल, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में, जैसे मेरी दादी बनाया करती थी, बिल्कुल वैसी ही सांगरी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए मेरे किचन में हम बनाते हैं सांगरी की सब्जी। पर चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए मेरे साथ हम बनाते हैं राजस्थान की फेमस, यानी मेरे राजस्थान की फेमस सांगरी की सब्जी। सांगरी की सब्जी बनाने के लिए करीब 100 ग्राम सांगरी को मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था और 3 से 4 बार इसको अच्छे पानी से मैंने बार बार धोया है ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। आपको अगर जल्दी करना है तो आप इसे बॉईल भी कर सकते हो, पर आप इस तरह से उंगली से इसको तोड़कर देख लीजिए कि हल्के से एकदम इजीली टूट जानी चाहिए। ज़्यादा भी नहीं उबालना है इसको और एकदम कड़क भी नहीं रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या डलने वाला है। तो ये है केर और ये है कमल ककड़ी, ये भी आपको मार्केट में जहाँ सांगरी मिलती है वहाँ मिल जाएगी। ये है सूखी अमचूर और इसे कहते हैं कुमठिया, ये भी वहीं मिलता है जहाँ सांगरे मिल जाएगी आपको। इन सबको पानी में हम अच्छे से भिगो देंगे। तो इन सबको मैंने 3 से 4 घंटे जो है पानी में भिगो दिया था और इस तरह से पतला पतला इनको काट लिया है और अच्छे से, बस ये ध्यान रखना अच्छे से इन सबको धोना ज़रूरी है हमें। और ये है कुमठिया, तो इनको भी इस तरह से पानी में भिगोते हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से छील करके इनका छिलका अलग कर दिया जाता है। यही सब चीज़ें डाल करके मेरी दादी जो है वो सब्जी बनाती थी, तो आज बिल्कुल वही ट्रेडिशनल स्टाइल में मैं ये सब्जी बना रही हूँ। यानी इसमें वही सब चीज़ें डालूंगी जो मेरी दादी डालती थी। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में करीब 1 कटोरी तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा। जब तक हमारा जीरा चटकता है हम मसाले जो है वो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ली है मैंने 1 कटोरी, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, 2 स्वाद अनुसार मैं इसमें डालूंगी नमक। आपको, आप इसमें एक मसाले जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसका पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल पतला पेस्ट भी हम नहीं बनाएंगे और बिल्कुल गाढ़ा भी हमें नहीं रखना है। ज़्यादा पानी डाल के पतला पेस्ट बनाएंगे तो मसालों को पकने में टाइम लग जाएगा और सूखे मसाले डालेंगे तो गर्म तेल में हमारे मसाले जल जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से हमें बनाना है। और जब जीरा चटक जाए तो हम तेल में डालेंगे थोड़ी सी हींग। और अब मैं
डाल दूंगी 1.5 चम्मच चीनी। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं थोड़ो चीनी रो पुट देनो है, तो इसमें थोड़ा पुट्टी लगता है, यानी हल्की सी चीनी डाली जाती है। ज़्यादा चीनी डाल के इसको मीठा नहीं किया जाता, बिल्कुल हल्का सा मीठा डाला जाता है ताकि एक सब्जी जो बने वो हल्की सी उसमें मिठास आए। इस तरह से चीनी, अमचूर और सारे मसाले हमें अच्छे से मिला के इनको पका लेना है। ये देखिए सारे मसाले एकदम से अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी काजू और किशमिश। हमारे राजस्थान रिया सब्जी कोई मिठाई सुकम को नहीं। आप एक बार इस सांगरी की सब्जी को बनाकर इस तरह से ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है ये। इसमें थोड़ा सा पानी जरूर ऐड करेंगे क्योंकि ये पानी इसमें एब्जॉर्ब होगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि सब्जी रसीज जने स्वाद हुए, तो रसीजने का मतलब ये होता है कि जब इसमें मसाले डालते हैं हम और ये थोड़ा सा पानी डालते हैं तो ये रस्सा जो होता है वो पानी, ये सांगरी, ये मसाले सब पानी को सॉक कर लेते हैं, यानी मसाला जो है इसमें एकदम से बैठ जाता है सांगरी में, तब ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसको खाने से कम 4-5 घंटे पहले बनाओ तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये सब्जी बन करके रेडी है, तो आइए अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। तो किसी की लगी था सबने मारे यहाँ राजस्थानी फेमस सांगरी के कुमठियारी सब्जी। तो अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी यानी मेरी ये राजस्थान की फेमस सब्जी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।